नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, अर्थात हम आज जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमारा जो जैव विविधता संबंधित पहला प्रश्न बनता है वो है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। दोस्तों जैव विविधता का अर्थ क्या है, पहले से नॉर्मली इसका आंसर जान लेते हैं। एक निर्धारित क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति, ठीक है, क्या कहलाती है, जैव विविधता। अर्थात एक निर्धारित क्षेत्र, जैसे सपोज करो हमारा 3 वर्ग किलोमीटर कोई क्षेत्र है, उसमें कई प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कई प्रकार के पादप पाए जाते हैं, कई प्रकार के घास पाए जाते हैं, कई प्रकार के मतलब कीट पाए जाते हैं, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जब एक छोटे से या एक निर्धारित क्षेत्र में अधिक से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने, किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे पास इसका आंसर है वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को, समझ सकते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को। यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों से हमने डिवाइड किया है, 0° लाइन है यानी कि भूमध्य रेखा है, तो इसका जो उत्तर से 6° और दक्षिण से 6° यानी कि ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है 0° लाइन पे, और क्या होता है 0° लाइन पे सूरज की किरणें तो सीधी पड़ती है, तो उन किरणों के सीधा पड़ने की वजह से ये क्षेत्र गर्म होता है। अब गर्म होता है तो यहाँ पे जो हवा है, जो नमी है, वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाती है, और वाष्प के रूप में जितनी ज़्यादा ऊपर उठेगी उतनी सघन से यहाँ पे बादल बनते हैं और वर्षा भी उतनी ही होती है, जिस कारण से इस क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, प्रश्न ये कि एक नोट पॉइंट है, ये देख लीजिए दोस्तों कि जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण होते हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उनकी स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी स्थापना का जो मुख्य कारण होता है वो यही है कि जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाए, उसको संरक्षित रखा जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है। अर्थात यूएनओ ने 2011 से 2020 यानी कि इस दशक को किस रूप में घोषित किया है। दोस्तों जैव विविधता दशक के नाम से इसको नाम दिया गया है यूएनओ ने 2011 से 2020 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। दोस्तों ये नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में, नॉर्मन मायर्स ने किया था। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास एक नोट पॉइंट है, इसको देखते हैं दोस्तों नोट पॉइंट को। ऐसे क्षेत्र जो परिस्थिति की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। विश्व में इसकी संख्या 36 है। दोस्तों ऐसे क्षेत्र जो परिस्थिति की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, उत्पादन क्षमता जिस क्षेत्र की ज़्यादा होती है और जहाँ पे मतलब घास पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर स्थानीय जातियों की उपलब्धता होती है, यानी कि जो वहाँ की लोकल स्पीसीज है उनकी उपलब्धता होती है, और जिसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जहाँ पे क्या है ना, जितनी ज़्यादा वहाँ पे जातियाँ होंगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जैव विविधता उतनी अधिक पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, पूरे विश्व में 36। अगला देखते हैं दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण आपका चेन्नई में स्थित है और दोस्तों ये 2003 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? पर्णपाती यानी के जो पत्ते छोड़ती हो, ये है दोस्तों सिबकनार्थ। कौन सी है दोस्तों? सिबकनार्थ। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है दोस्तों, इंडिया के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों अति सघन का मतलब होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घिण की जो पेड़ होते हैं वो पाए जाए, दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों एम स्ट्रिप्स शब्द जो संबंधित है वो है दोस्तों बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित, जो हमारे बाघ हैं उनके रखरखाव से संबंधित है दोस्तों, टाइगर बोलते हैं जिनको। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पर कब हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों ये किया था 23 जनवरी 2001 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, प्रोसोपिस जूलीफेरा नामक कौन सा दोस्तों, प्रोसोपिस जूलीफेरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? ठीक है, कौन सा पौधा है दोस्तों जूलीफेरा, ठीक है तो इसको याद रखना, किस प्रकार हानि पहुंचाता है? दोस्तों ये पौधा जहां पर भी उगता है वहीं पर जैव विविधता की कमी होने लगती है, ठीक है दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, पौधे का नाम है जूलीफेरा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, भारत में सिंह पुच्छ वानर अर्थात इसको मैकाक बोलते हैं प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में पाया जाता है, ये सिंह पुच्छ वानर यानी कि मकांक बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों ये 2002 में पारित किया गया। अगला है इसमें दोस्तों, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये हमारा कि ऐसा कौन सा पक्षी था जिसकी वजह से मॉरिशस के अंदर ग्रांडिफ्लोरम नामक प्रजाति जो पौधा है वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। दोस्तों ये डोडो पक्षी है, इसके विलुप्त हो जाने के कारण से क्या हुआ, ये जो सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पौधा है ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये डोडो पक्षी जो था वो इस पौधे के बीजों को खाता था, ऊपर से फल को खाता था, जिससे इसके बीजों का अंकुरण मतलब जो बीज थे उनका अंकुरण होने में सहायता प्रदान मिल करता था, सहायता मिलती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि भारत का प्रथम समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में है, बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में जैव चार जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है, ये चार जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिम घाट अर्थात सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिम घाट में है, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की साइड का, और सुंडालैंड है, सुंडालैंड आपका पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में। अगला है दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़न बलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? दोस्तों ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स उड़न बलगुल, ठीक है। अगला है दोस्तों, रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? दोस्तों IUCN के नाम से ये संगठन है, ये आपकी रेड डाटा बुक जारी करता है, और रेड डाटा बुक के अंतर्गत आपके जो ऐसे पक्षी या ऐसे पादप जो विलुप्त होने के कगार पर है उनका इसमें वर्गीकरण किया जाता है या उनका इसमें नाम बताया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों यह डाइक्लोफेनेक सोडियम। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों जो हम आजकल देख रहे हैं कि जो हमारे गायें पे भैंस जो मतलब जानवर हैं उनको ये जो औषधि है ये दी जाती थी, ठीक है। मेरा जो जहाँ तक आइडिया है कि ये औषधि जैसे दूध निकालते वक्त मतलब
गाय भैंस को दूध निकालते वक्त उनको तैयार करने से पहले ये वैक्सीन लगाई जाती थी, या मतलब ये औषधि दी जाती थी, जिससे वो ज़्यादा दूध दे सकें और मतलब वो दूध देने योग्य बन सके। तो जिस कारण से क्या था, जब वो मरते थे तो गिद्धों उनको खाते थे, और उनको खाने के बाद इस औषधि के जो वायरस, इस औषधि का अंश जो था वो गिद्धों में भी चला जाता था, जिस वजह से गिद्धों की संख्या में कमी देखने को मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, वृक्षों पर रहने वाली किस स्तनधारी जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंक्स है? रेड पांडा। दोस्तों वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का नाम जूलॉजिकल एलुरस फ्लैंक्स है? दोस्तों रेड पांडे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत उप हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र अर्थात तिब्बत, आपका नेपाल के जो टच में है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, और दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अगला आता है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हंगुल मृग है, इसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये लद्दाख के अंदर है, ये ऊंचाई पर तो स्थित है ही, लेकिन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि ये अगला प्रश्न है, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? दोस्तों किस समूह के जीव है जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, यह है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? दोस्तों ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? दोस्तों पौधों की जड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक जो तत्व को ग्रहण करते हैं पौधे, वो जड़ के माध्यम से करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे नोट है, नोट पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों साउथ बटन द्वीप क्या है हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 10। अगला जो हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व और जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उस किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय का या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों। ये अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी आपको बताया था कि तमिलनाडु और आपके श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? ये कहा जाता है दोस्तों नारियल के वृक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पक्षियों के स्वर्ग के नाम से फेमस है, और ये भरतपुर और राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों बाणगंगा तथा गंभीरी नदी है, जो बाणगंगा और गंभीरी नदी आपकी राजस्थान या भरतपुर में बहती है, क्योंकि ये कहाँ से होकर गुजरती है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से। अगला है दोस्तों, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये वानस्पतिक उद्यान जो है वो आपके स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आते। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। इस कंडीशन को हम समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे जो हमारे पॉली हाउस बनते हैं वो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के ऊपर ही आधारित होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जीवमंडल रिजर्व हैं? दोस्तों 18। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नीलगिरी है। 1986 में इसकी स्थापना की गई, आईएमपी है दोस्तों, आईएमपी कर लेना। अगला आता है, कोर्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों कोर्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों के लिए किया जाता है? दोस्तों आंसर है अनुवांशिकी विविधता। इसकी अनुवांशिक विविधता के कारण ही हमारा प्रजनन कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? दोस्तों ये रोजर और पनवार ने, दो लोग थे रोजर और पनवार, इन्होंने भारत को सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला है दोस्तों, अरिबादा क्या है? अरिबादा क्या है? दोस्तों कछुओं की कुछ प्रजातियों का व्यापक घोंसला प्रक्रिया होता है अरिबादा। दोस्तों एक साथ मिलकर कुछ खरगोश क्या होते हैं, एक मतलब एक रहने का स्थान बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अरिबादा या उसका घोंसला। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया? दोस्तों ओस्लो नार्वे में किया गया, क्योंकि नार्वे ओस्लो की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखते हैं किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में है। आपका टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन राइनो विज़न यानी कि गेंडा 2020 विज़न था, ये कब शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया 2005 में। इंडियन राइनो विज़न 2020 कब शुरू किया गया? 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ये आता है हमारा, जैव सुरक्षा का कोर्टाजेन प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है, क्रियान्वित किया जाता है? दोस्तों ये है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस राज्य, किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के जामनगर में। अगला है, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये पश्चिम घाट के वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जो नागार्जुन सागर के नाम से जाना जाता है, नागार्जुन सागर उसके आसपास के क्षेत्र को ही हम ये टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, नोट पॉइंट है कि जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये है, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व, अर्थात जो हमने देखा था कि 1973 में जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ शुरू किया गया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, अर्थात 1936 में जब ये बना तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से शुरू हुआ। उसके बाद ये दोस्तों जैसे ही हमारा रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद जिम कार्बेट हो गया, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क फिर से कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? दोस्तों कजिन द्वीप है, कजिन द्वीप ये सेशेल्स में पड़ता है और ये केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित है? दोस्तों वेदांथंगल तमिलनाडु में है। पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित है? दोस्तों वेदांथलंग तमिलनाडु में स्थापित है। अगला है, भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? दोस्तों तीन राज्यों में हमारे नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी तीन ही राज्यों में फैला है, कर्नाटक तमिलनाडु और केरल। अगला है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बारहसिंगा के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? दोस्तों ये फूलों की घाटी की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, और इसकी खोज की थी फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्सवर्थ ने।
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है। दोस्तों किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है, दोस्तों ये दी गई है डॉल्फिन को। और दोस्तों डॉल्फिन को गंगा का यानी कि भारत का राष्ट्रीय मछली भी घोषित किया गया है दोस्तों, डॉल्फिन है ना। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके PCS लेवल और ग्रुप सी के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट है। तो जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम है उनमें कृपया करके ये नोट्स बना लीजिए आप। और इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने ही आने हैं। जैव विविधता टॉपिक बहुत बेस्ट टॉपिक होता है। नमस्कार।